चलो भाई, सुबह का टाइम है, हम सारे जिम जाने लगे। हम सारे में मैं और मानू है, ये सारे है ना, बहुत सारे है ये, तो इसलिए मैं और मानू हम सारे बोले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाला। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। कल का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अब तक आपने गिव अवे में पार्ट नहीं लिया है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, तो आप उसे देखो और गिव अवे में पार्ट लो, आपको एक जर्मन शेफर्ड पपी मिल सकता है जो जीतेगा। और वो देखो एक बार हेला और थोर को दिखा देता हूँ, अपडेट देता हूँ फिर। हेलो मेरी बेटी हेला, दिन में यहाँ बैठ के पीछे माहौल सेट देखती रहती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जिम पे, और नीचे थोर नीचे अपनी वही डेली रूटीन उसकी, नीचे पड़ा बैठा होगा पापा के साथ। कहाँ है, कहाँ गया थोरू? ओए सर, करा है काम अपना? हमारे दो बॉडी बिल्डर सर आ गए। हेलो ब्रो, कौन सी किसकी एक्सरसाइज मार गए? कितने दिनों के लिए मारनी है? पता नहीं, 15 दिन तो सेम होगा। 10 मिनट हमें साइकिल चलाने के लिए बोला गया है, मानो मैं साइकिल चला रहे हैं, और ये वाली साइकिल ऊंची थी और मेरी ऊंची थी, तो हमने चेंज कर लिया। 10 मिनट बाद मिलता है भाई साइकिल चला के। मेरा वर्कआउट तो हो गया, कन्नू वहाँ पे कर रहे हो बाइस वाला है ना, तो हाँ तो इसका भी चल रहा है। अब घर जाएंगे, मैं थक गई पहले से, मतलब इतने नहीं थकी जितने कन्नू थका होगा, लेकिन मैं एक महीने से वॉकिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरी टांगों में क्रैम्प्स आ गए, दर्द हो रहा है मेरे को। ये मानो थक चुकी है पूरी तरीके से, और मैं मुझे भी दस तरीके से मुझे 10 मिनट और करना है अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुई है ट्रैक। देखो और मेरे हाथों में इतना जोर नहीं है कि मैं ये फ़ोन भी पकड़ पाऊँ ढंग से। पानी छोड़ दियो जा भर के ला। ड्राइवर गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। नहीं नहीं ड्राइवर, सब चीज़ तू पकड़, मैं तो पीछे बैठ के चलूँगा। वो बिठा दिया इसने। निकाल निकाल मानू, निकाल ना, गेयर तो काट ले। हैं? चल आज सिखाऊंगा फिर मैं, तू चला लियो। गेयर तो निकाल ले, ले चल निकाल। अभी मैं नहीं निकला क्या? चल गिर के दिखा, बाइक गिर गया ना बेटे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। घुमा ड्राइवर, पूरा घुमा। ड्राइवर बीच सड़क में। देख लो हम कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, आते ही फ्रूट्स खरीदने लग गए। हमारी रोज की रूटीन है, पापा फ्रूट्स वगैरह लेते रहते हैं। पापा जी, पापा पपीता भी लोगे क्या? पपीता ले लो, पपीता कच्चा है। चल भाई अपना शेक बनाते हैं। मानू खुद गेट खोल गया भाई साहब, हम आ चुके हैं घर। आज मैं शेफ बनाऊं, आज मैं मानू को सिखा रहा हूँ कैसे शेक बनाना। और पापा अपनी डाइट शुरू कर रहे हैं सुबह की, फ्रूट्स हमें अभी नहीं खाने, फ्रूट्स अभी शेक और एग खाएंगे, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फ्रूट्स खाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे। आज के फ्रेम में भी आप सिकंदर को देख पा रहे हो, पीछे अपना थोर बैठा भाई साहब। सिकंदर अपना कल का व्लॉग देख रहा है, जस्ट अभी अभी पोस्ट हुआ है, पब्लिक हुआ है व्लॉग, में रात को ही डाल देता हूँ टाइमर लगा के, तो 9 बजे एग्जैक्ट आ जाता है, 2 दिनों से 9 बजे आ रहे हैं, तो अब 9 बजे ही आएगा आपके पास व्लॉग। तो अब आज थोर जा रहा है, आज थोर के लिए स्पेशल डे है भाई। एक मिनट पॉज करिए सिकंदर,
आज थोर के लिए स्पेशल डे है। स्पेशल डे आज थोर को डेट पे लेके जा रहे हैं भाई हम। थोर की डेट है आज, ऑफिशियल थोर की डेट है। तो थोर को खाना खुना खुआ के तैयार करके लेके जा रहे हैं। तो अब खुशखबरियां मिलने वाली है थोर के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं। तो आज थोर को ये डेट पे लेके जा रहे हैं और अभी सुमित के पास ही जा रहे हैं। सुमित एक नई फीमेल लेके आया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। तो देखते हैं क्या माहौल होगा वहां जाके, देखते हैं थोर का भाई। थोर पहले डेट पे आया है तो भाई ये थोर, ये थोर की डेट, दोनों लड़ेंगे पता नहीं, लड़ियो ना रहे, प्यार रखो। दोस्तों हम वापिस जा रहे हैं यार, तब ना भूख लग रही थी और फिर मम्मी और का फोन आ गया था तो मैं वापस आ गया। अब मैं और आदित्य वापस जा रहे हैं थोर को लेके। तो थोर वापस जा रहे हैं अपनी डेट पे। आदित्य कुत्ते जब से पहन के तैयार हो रहे आज। मम्मी बाय बाय, मानू बाय, बुआ मानू गुड मॉर्निंग। भाई दोस्तों अभी अभी पता क्या हुआ, एकदम से आप लोगों ने को पता होगा, जैसे जो लोकल रहते हैं वो तो उनको तो पता है रोज बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में ब्लू बुल बोलते हैं इन्हें। एक ये एंटीलॉप की स्पीशीज है, डियर है ये। तो भाई वो बिल्कुल जस्ट मतलब अपनी कार के बिल्कुल ये क्या बोले भाई, एक सेकंड पहले आ गए वो तो ब्रेक मार दी भाई, वो एक्सीडेंट हो जाता। अगर हम दो सेकंड आगे होते तो आपको एक नया कंटेंट के मिलता फिर तो हफ्ते का व्लॉग नहीं आना था, फिर मैं बताता जी ऐसा ऐसा हुआ। बहुत मतलब खतरनाक होते हैं जो हमारे जैसे हरियाणा पंजाब के लोग हैं उनको पता ही है कि मतलब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सड़कों पे इन्हीं की वजह से होते हैं। कि बेचारे इनको इनको इनमें दिमाग तो होता नहीं यार, वे एकदम से ना सीधा ही टक्कर मारते हैं कार के अंदर। बाइक वाइक पे तो होता है बंदा तो जान से ही जाता है, चाहे हेलमेट भी पहना हो तो भी, क्योंकि सिर पे लग जाए ना तो चोट खत्म है बंदा फिर। बट यूं कार में थोड़ी सेफ्टी हो जाती है, इसलिए भाई तुम भी बच के चलो। बाकी ध्यान तो देना ही चाहिए, हमने ड्राइव स्लो एंड ध्यान दिया तभी हमने ब्रेक मार पाए। अगर ये गाड़ी अगर 100 के ऊपर होती तो नहीं रुकने नहीं दिया। नहीं कर चढ़ रहे तुम? मैं कहीं नहीं, अभी थोर आया था मेरे पास। थोरू आ जा, चलो भाई ऊपर चढ़ते हैं। आ जा थोरू, रास्ता देखिए थोरू का, इधर से रास्ता आ जा। हम तो जा रहे हैं भाई नहर में जा रहे हैं हम तो, तुम से नीचे चढ़ के देख लो ये आ गया। यो सही सीन है इनका घर यहां पे और नहर यहां पे। ओए आ जा ना, अब नहीं आ रहा भाई ये, अब इसको पता चल गया ना, एक्सप्लोर कर रहा है अभी। बाकी एक नंबर का व्यू है यार, आदित्य निशानी लगा के आएगा। बड़ा ना फार्म हाउस यहाँ पे बड़ा हुआ, बस चल जा सर फीलिंग ले ले। करने इसमें डबकी मारते, इसमें तू मार सीधा यू, तेरे को डाइव मारनी आती है ना, इसमें मार के दिखा, जूम करके दिखाई किसमें कर रहा हूँ, इसमें कर रहे हैं करने का सर ही लगेगा सीधा। तो भाई आप सब लोग सोच रहे होंगे अभी मैं कार में था और अब मैं अपनी एक्टिवा पे कैसे आ गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत मतलब कि लेट हो गया, 10 बज चुके हैं रात के। अब मैं घर जा रहा हूँ तो कल वापस सुमित के पास चलेंगे, वहाँ पे हम शाम को भी फिर कोई काम आ गया इसलिए मेरे को घर आना पड़ गया, पापा ने बुला लिया था। तो कल चलेंगे तो कल मैं बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ हेलमेट भाई मेरे को घर के सामने ही आना था इसलिए नहीं पहन के आया मैं, नहीं मैं हेलमेट हमेशा पहनता हूँ। ओके बाय बाय।